हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 29 जून 2022 दिन बुधवार और हिंदी तिथि वैसे तो आषाढ़ माह अमावस्या रहेगी सुबह 8:30 बजे तक, उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, कल 30 जून से ही गुप्त नवरात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि और केदार योग में शुरू होगी आषाढ़ मास की नवरात्रि और इन 9 दिनों तक 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। बड़ी शुभ माना जाता है इस नवरात्रि को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के समाचार की तरफ। देखिए, आकाश अंबानी बने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नए चेयरमैन। कंपनी बोर्ड ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनकी उम्र अभी 30 साल है और 65 साल की उम्र में मुकेश अंबानी ने अपने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। अब रिलायंस के उत्तराधिकारी के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। सर्विस सेक्टर में पेंट अप डिमांड और इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में तेजी देखी गई। अच्छा भाई, देखिए भारत के विकास पर और एक अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे बनाए जाएंगे। NHAI ने इसका सर्वे का काम भी शुरू कर दिया। वहीं हरियाणा सरकार यमुनानगर में लगाएगी 800 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट। 7,000 लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा और हरियाणा में बिजली की सप्लाई भी बढ़ेगी। अच्छा, एक अच्छी खबर देखिए, MSME के सेक्टर में बिहार राज्य को देश भर में मिला दूसरा स्थान। 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राज्य को सम्मानित करेंगे। MSME के सेक्टर में बिहार भी नंबर 2 पर रहा। नंबर 1 पर उड़ीसा राज्य रहा और हरियाणा राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 30 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी टॉप राज्यों को सम्मानित करेंगे। वह देखिए, राजस्थान में बनेंगे 25 नए बाईपास। नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की है और इससे राजस्थान में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। वह देखिए, GST काउंसिल की 47वीं बैठक शुरू हो गई और इसमें वैसे तो प्लानिंग थी कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो वगैरह पर भी GST बढ़ाने पर विचार हो सकता है, लेकिन GST बैठक में जो इनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए, कुछ और बड़े फैसले लिए गए। पंजाब चंडीगढ़ में GST काउंसिल की बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई और देखिए इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुछ सेवाओं और वस्तुओं से टैक्स छूट को वापस लिया जाएगा। होटल और अस्पताल के कमरे पर भी कुछ टैक्स बढ़ाया गया, इसके चलते ये सेवाएं महंगी होगी। डाक सेवाएं भी महंगी होगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा GST काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए। चेक खो जाने या बुक फॉर्म पर 18% की दर से अब GST लगेगा। ई कचरे पर GST दर को 5% से बढ़ाकर 18% किया गया। 10 ग्राम से कम पोस्ट कार्ड और लिफाफों को छोड़कर डाक विभाग द्वारा सेवाओं पर छूट को वापस लिया गया, इससे डाक सेवाएं भी महंगी होगी। 1,000 रूपए से कम के जो होटल अकोमोडेशन होंगे उन पर अब 12% GST लगेगा। वहीं टैक्स में LED लैंप, शाही चाकू ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप, डेयरी मशीनरी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। अनाज की मिलिंग मशीनरी पर भी टैक्स को 5% से बढ़ाकर 18% किया गया। सोलर वाटर हीटर, फिनिश्ड लेदर, इन चीजों पर भी टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। तो ये चीजें और ये सेवाएं काफी अब आपको महंगी देखने को मिलेगी GST में बढ़ोतरी के चलते। हालांकि महंगाई पर कुछ और अपडेट भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। देश में तेजी से बढ़े अस्थायी वर्कर्स, गिग वर्कर्स 8 साल में 3 गुना बढ़कर लगभग 2.25 करोड़ हो जाएंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा दोस्तों, ICICI बैंक ने इस FD खाते पर ब्याज दर को बढ़ा दिया है। अब ग्राहकों को 5.70% तक रिटर्न मिलेगा। ये नई ब्याज दरें आज से ही लागू हो चुकी है और उसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, टाटा मोटर्स कंपनी भी 1 जुलाई से अपने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ा देगी। टाटा कंपनी का कहना है कि कमर्शियल व्हीकल के दाम में 1.5 से 2.5% तक की बढ़ोतरी होगी। कमर्शियल व्हीकल का मतलब जो टाटा के ट्रक वगैरह, टाटा के लोडर्स, जो घरेलू कमर्शियल व्हीकल वाहन आते हैं, टाटा टेम्पो वगैरह, इन चीजों पर अब रेटें बढ़ जाएगी। जुलाई के बाद ये व्हीकल्स महंगे मिलेंगे, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, G7 समिट कंप्लीट होने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबूधाबी पहुंचे UAE में और वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा भव्य स्वागत भी किया। ये देख सकते हैं कुछ फुटेज। अबूधाबी के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर वो खुद रिसीव करने पहुंचे एयरपोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मुलाकात के बाद मोदी भारत के लिए रवाना भी हो चुके हैं। PM मोदी का गर्मजोशी से वेलकम देखने को मिला UAE के दौरे में। अच्छा, महंगाई पर देखिए बड़ी खबर आ रही है। कमर्शियल LPG कनेक्शन लेना भी अब महंगा होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1,050 रूपए की बढ़ोतरी कर दी है और ये नई रेटें आज से ही लागू हो जाएगी। यानी कि अब अगर आपको कमर्शियल नया LPG गैस कनेक्शन लेना है ना, तो उसके लिए अब आपको 1,050 रूपए ज्यादा देने पड़ेंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा, इससे पहले कुछ दिनों पहले घरेलू रसोई गैस कनेक्शन लेने की रेटों में भी चार्जेस वगैरह में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG कनेक्शन के लिए जहां पहले आपको 2,550 रूपए देने पड़ते थे, उनकी जगह पर अब सीधा 3,600 रूपए देने पड़ेंगे। यानी कि इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1,050 रूपए की बढ़ोतरी कर दी गई है ना। मतलब कमर्शियल गैस सिलेंडर का मतलब ये हुआ, अगर आपको कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में चाहिए या गाड़ी वाहन चलाने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर चाहिए, तो इसके लिए कनेक्शन में अब आपको रेट ज्यादा लगेगी। अच्छा, महंगाई पर एक और अपडेट ये
ये भी आ रहा है कि आटा के बाद अब चावल भी महंगा हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में चावल के दाम बढ़ चुके हैं। लगभग 10% तक तेजी देखी गई यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में चावल के दामों में। आम आदमी पर महंगाई की मार और भी ज्यादा बढ़ी है क्योंकि कई स्टेट्स में चावल को भरपूर खाया जाता है। बासमती चावल की सबसे लो क्वालिटी 1509 रुपए प्रति क्विंटल होता है, जिसका रेट इस बार 3000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ऊपर खुला है। वही देखिए, अब आई मीट मुर्गी की भी महंगाई। 20 से 25 रुपए तक बढ़े चिकन के दाम और अंडा भी 7 रुपए पर पहुंच चुका है। नॉनवेज खाने वालों के लिए भी अब महंगाई का ज्यादा असर देखने को मिलेगा क्योंकि इन चीजों की रेटें भी काफी बढ़ गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। उनका कहना, अग्निपथ के खिलाफ विधानसभा में हम प्रस्ताव लाएंगे और किसान आंदोलन जैसा इसका विरोध करेंगे। वही देखिए, झारखंड सरकार का कहना कि सरकारी स्कूलों में नया एजुकेशन सत्र जो है वो 1 जुलाई से शुरू होगा। 15 जुलाई तक विशेष नामांकन अभियान भी चलाया जाएगा। झारखंड सरकार की तरफ से ये नया निर्देश जारी किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आपको बताऊंगा, हाल ही में कई राज्य सरकारों की तरफ से ऐलान किया गया कि 1 जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया जाएगा। राइट, तो इस संबंध में देखिए एक बड़ा अपडेट कि सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जाएगा और जिन भी दुकानदारों के पास ये प्लास्टिक वगैरह के चम्मच, प्लास्टिक के डिस्पोजल, पॉलीथीन वगैरह पाई जाती है तो उनका चालान काटा जाएगा। हरियाणा सरकार इस तरह की पहल शुरू करने जा रही है। हरियाणा सरकार ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा और जिन लोगों के पास ये पाया जाता उन व्यापारियों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हरियाणा के अलावा भी और भी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश वगैरह। और भी कई स्टेट गवर्नमेंट्स 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने जा रही हैं, जिसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको पहले भी बताई थी DLS न्यूज चैनल पर। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कल ही राजस्थान में उदयपुर में एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से जान ले ली गई। नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के चलते दो मुस्लिम युवकों ने उदयपुर में एक टेलर कन्हैयालाल जिसका नाम है उसकी जान ले ली और बड़ी निर्मम तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, बड़ी शर्मनाक तरीके से। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद अब खबर आ रही दोस्तों कि राजस्थान में नेटबंदी भी रह सकती है। उदयपुर में तो कल से ही 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। धारा 144 भी लागू कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे राजस्थान राज्य में पुलिस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। उदयपुर में तो शहर की सड़कों पर 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और अभी पूरा राजस्थान राज्य अलर्ट मोड पर है। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है दोस्तों कि दिन दहाड़े जब ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं तो हम इंसानी सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। सभी धर्मों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ विवाद की मेन जड़, मूल जड़ जो है वो धर्म रिलीजन पर ही आधारित है। इसलिए लोगों को थोड़ा और एक ऊपर लेवल से सोचने की जरूरत है। देश में सभी लोगों को शांति बनाकर रखनी चाहिए, सभी धर्मों को एक दूसरे का आदर सत्कार करना चाहिए और इतनी नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए। और ऐसी घटनाओं के चलते ही पब्लिक को फिर ये लगने लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर वगैरह न्याय का सिस्टम चलाते हैं ना बुलडोजर से, वो कहीं ना कहीं लोगों को फिर पब्लिक को सही लगता है क्योंकि यूपी के योगी सरकार के बुलडोजर टेक्निक से ही विरोधियों में बड़ा डर पैदा हुआ और उसके बाद यूपी में क्राइम वगैरह काफी कम भी हुए हैं। खैर, ये ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों, इन पर जितना बोलो उतना ही कम है। पर्सनली मेरी यही राय है कि सभी लोगों को मिलजुल कर शांति के साथ जीना सीखना चाहिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। साइंस से एक बड़ी ही चौंका देने वाली रिसर्च सामने आई, साइंस ऑफ स्मेल। देखिए आप, एक रिसर्च में दावा किया गया कि कुत्तों की तरह इंसान भी एक दूसरे को सूंघते हैं। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिन इंसानों की गंध लगभग समान होती है उन लोगों से दोस्ती भी बेहतर होती है। जी हाँ, विज्ञान की रिसर्च में बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ दोस्तों। ये दावा इजराइल के विजमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने किया है। रिसर्चर्स का ये कहना है कि हमें जिन लोगों की गंध अपनी गंध जैसी लगती है हमारी उनसे दोस्ती भी दूसरों के मुकाबले बेहतर होती है। हालांकि ये गंध इतनी बारीक होती है कि हम इसे आसानी से मेजर नहीं कर पाते हैं लेकिन नैनो लेवल पर ये इफेक्ट डालती है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। देश में 2 स्पेस स्टार्टअप्स को मंजूरी मिली है और अब देश के निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में भी सैटेलाइट लॉन्च की शुरुआत होने जा रही है। जिस तरह से बाहर के देशों में जैसे एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनियां पूरी तरह से प्राइवेट हैं, उसी तरह से अब हमारे भारत में भी प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को मंजूरी मिलने जा रही है। ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और दिंगा तारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु को 24 जून को इन स्पेस ने अपने पेलोड प्रक्षेपित करने की मंजूरी दी है और अब भारत में भी प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेस में आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। 30 जून को इन स्टार्टअप्स के द्वारा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर। 3 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां पर 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक में 15 में से 14 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। राज्य में बनेंगे 4 नए डेटा सेंटर भी। योगी सरकार की कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, आप देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधारोपण हेतु राज्य के समस्त शासकीय विभागों एवं अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की पौधशालाओं से निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में 4
4 नए डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, नई डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत। और इसके लिए यूपी सरकार राज्य में 15,950 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करेगी। और गवर्नमेंट का कहना है कि इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली 4,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। कुछ और योगी कैबिनेट में फैसले भी लिए गए, किसान भाई लोगों को वगैरह को लेकर भी, जिनके भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से 300 रेल ओवरब्रिज और अंडरब्रिज भी बनाए जाएंगे, है ना। और वह देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लिए। राज्य में 23 नए ITI कॉलेज खोले जाएंगे, उज्जैन और बुदानी में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी मंत्रालय की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें भी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुछ और अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान राजधानी दिल्ली में भी पहुंच जाएगा मानसून। साथ ही पंजाब राज्य को लेकर भी मौसम विभाग का कहना है कि 30 जून से 2 जुलाई के बीच पंजाब में भी मानसून पहुंच जाएगा। अच्छा भाई, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से कल ही 5 लोगों की मौत हो गई। MP भोपाल में भी तेज बारिश देखी गई। इसके अलावा असम राज्य में बाढ़ से पिछले 24 घंटों के दौरान ही 5 और लोगों की मौत हो गई। अब तक इस साल असम राज्य में बाढ़ के चलते 134 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तकरीबन 2,500 के लगभग गांव इससे प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से हालातों का जायजा भी लिया गया। देखिए, असम राज्य में सामान्य से 125% ज्यादा बारिश तो अभी तक ही हो गई है। वहीं देखिए, नेपाल में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। बिहार में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक नदी। बिहार में बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 29 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तो बारिश हो ही सकती है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और इन राज्यों में भी बारिश हो सकती है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं दोस्तों, आइए अब फटाफट से आज के कोरोना अपडेट भी देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के मामलों में कुछ गिरावट देखी गई। 11,793 नए केस मिले, जबकि 27 लोगों की मौत हुई 24 घंटों में कोरोना से। हालांकि सक्रिय मामले जो हैं, एक्टिव केस की संख्या वो लगभग 1,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं देखिए, पंजाब में संगरूर लोकसभा से सांसद बने सिमरनजीत सिंह मान कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पंजाब में देखिए, तेजी से बढ़ रहा कोरोना का खतरा। 24 घंटों में 3 मरीज मरे, 6 ICU में शिफ्ट हुए। पंजाब में डेली 100 से ज्यादा कोरोना मरीज देखे जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 2% के पार है। कोविड गाइडलाइंस को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। अब हवाई अड्डों पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर कोरोना जांच के निर्देश दिए गए। यानी कि दूसरे राज्यों से बाहर के अगर लोग बाग छत्तीसगढ़ में आते हैं या जाते हैं, तो उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। बिहार में देखिए, कोरोना विस्फोट देखा गया। 211 नए मामले मिले, 124 नए केस के साथ बिहार का पटना जिला टॉप पर रहा। बिहार सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बायोमेट्रिक हाजिरी पर भी 12 जुलाई तक रोक को बढ़ा दिया। मतलब जो बायोमेट्रिक हाजिरी कोरोना के बाद से सरकार ने बंद कर रखी थी, तो उस लगी हुई रोक को 12 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया, क्योंकि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जरिए जो हाजिरी लगाते हैं, तो उससे भी कोरोना स्प्रेड होने का खतरा रहता है, इसीलिए, है ना। और वही वैक्सीन पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि 7 से 11 साल तक के बच्चों को अब कोवावैक्स की वैक्सीन भी लग सकेगी। ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है सूत्रों के मुताबिक। ANI की तरफ से ट्वीट भी किया गया इसको लेकर, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरकारी स्कूलों में 30 जून तक एडमिशन होंगे। एजुकेशन महकमे ने 12वीं कक्षा तक दाखिले की तारीख को 2 दिन बढ़ा दिया। पेरेंट्स की मांग पर यह फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश में अब उच्च शिक्षा विभाग ने 12वीं कक्षा तक एडमिशन की डेट को 30 जून तक बढ़ा दिया। तब तक आप भी एडमिशन करवाना चाहते तो करवा ले, फटाफट 2 दिन का मौका है। हरियाणा में देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में चिराग योजना से एडमिशन दिया जा सकेगा। 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले बच्चों को शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री हरियाणा सम्मान शिक्षा राहत योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाएगा। यह हरियाणा सरकार की तरफ से अच्छी पहल है। 12वीं तक के विद्यार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में PET परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। upssc.gov.in पोर्टल पर जाकर आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 27 जुलाई 2022 रखी गई है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल को केंद्र सरकार से मिले 300 नए वेलनेस सेंटर, 700 हो गई अब टोटल संख्या। हर केंद्र में 2 इंस्ट्रक्टर भी तैनात किए जाएंगे। वर्तमान में राज्य में आयुर्वेद यानी कि आयुष विभाग के 400 सेंटर चल रहे हैं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 700 हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल में 300 और नए सेंटर खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा भाई, हरियाणा राज्य से एक और अपडेट आ रहा है कि फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन सेवा के 50% वाहन अब इलेक्ट्रिक होंगे और अगले 4 साल में सरकार इस मिशन को
पूरा करेगी। राज्य में प्रदूषण को कंट्रोल करने और ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये पहल की है। कल ही देखिए आप, मुंबई में एक बड़ी दुर्घटना देखी गई, एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस दुर्घटना में 19 लोगों की जान चली गई, 15 को निकाल लिया गया। अभी भी 1-2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ईश्वर इन सब की आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। प्रधानमंत्री की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की गई है। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा है, गूगल हैंगआउट्स नवंबर महीने में बंद हो जाएगा। यूजर्स को गूगल कंपनी की तरफ से गूगल चैट पर जाने की सलाह दी गई। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर देखिए आप, कि रूस ने यूक्रेन के शॉपिंग मॉल में दागे मिसाइल, 16 लोगों की जान चली गई, 59 से ज्यादा घायल हो गए। मॉल में 1000 से ज्यादा लोग थे तब रूस ने ये मिसाइल दागी है। बड़ी शर्मनाक हरकत है ये वाकई में। अच्छा भाई देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बड़ी घोषणा की गई, विश्वविद्यालय व कॉलेज के प्राध्यापकों को 1 महीने के अंदर मिलेगा UGC पे स्केल। जी हां, चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से शिक्षकों को ये बड़ी सौगात दी गई है और अब UGC पे स्केल का लाभ मिल पाएगा जल्दी शिक्षकों को, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए, हरियाणा में शिक्षकों को बनाया गया हेल्थ एम्बेसडर, हेल्थ प्रोग्राम के तहत स्कूलों में भेजी जाएगी 17,700 किताबें। वही देखिए, राजधानी दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, एडवांस में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर आपको कई छूट भी मिलेगी। और क्योंकि सरकार ने इसकी लास्ट डेट 30 जून रखी हुई है, तब तक 30 जून तक दिल्ली में रहने वाले लाखों लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आप अग्रिम संपत्ति कर जमा करा करके कुछ छूट पा सकते हैं, है ना। और वही देखिए, एंड्रॉइड फोन चलाने वालों को गूगल कंपनी की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया, अब बिना टाइप किए भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज पाएंगे। एंड्रॉइड स्मार्टफोन को अनलॉक करने के बाद गूगल असिस्टेंट ऐप पर जाकर के अब आप इस फीचर का फायदा ले पाएंगे। इसके लिए आपको गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करके सेंड ऐप व्हाट्सएप मैसेज टू कॉन्टेक्ट, फिर कॉन्टेक्ट का नाम बोलना है और फिर मैसेज बोलना है जो भी आपको भेजना है, और इस तरह से आप डायरेक्टली बोल करके मैसेज भेज पाएंगे। वही देखिए, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अब आप अपने फोन में फोटो और वीडियो को स्टोर करने के लिए आपको टेंशन नहीं रहेगी। 30 GB तक का फोटो वीडियो को अब आप क्लाउड पर सेव कर पाओगे। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने डीजी बॉक्स के साथ एक पार्टनरशिप की है, एक भारतीय फाइल स्टोरेज और शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इसके साथ पार्टनरशिप की है। और इस पार्टनरशिप के तहत जियो सेटटॉप बॉक्स यूजर्स को जियो टीवी पर जियो फोटोज ऐप का अगर आप उपयोग करते हैं तो उसमें पहले 20 GB का स्पेस मिलता था, उसकी जगह पर 10 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलेगा और क्लाउड पर आप 30 GB तक के डेटा सेव कर पाएंगे, है ना। वहीं उत्तराखंड सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है, जल्द ही उत्तराखंड राज्य में आपको EFIR की सुविधा मिलेगी, घर बैठे ही आप FIR दर्ज करा पाएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है पुलिस में तो उसके लिए आपको पुलिस थाना जाने की जरूरत नहीं होगी। हाल ही में आपको बताऊंगा ऐसी सेवा पंजाब सरकार की तरफ से भी शुरू की गई थी, राइट। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया, अब गौमूत्र भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये घोषणा की गई और इससे किसान भाई लोगों को बड़ा फायदा होगा। जिन किसानों के घर में गाय वगैरह है वो अब अपना गौमूत्र भी बेच पाएंगे। किसान भाई लोगों के लिए एक और अपडेट आ रहा है, देखिए आप, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में अब इजराइल की तकनीक पर खेती होगी और इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल से सब्जियों की खेती के लिए रोग मुक्त पौधे भी ले पाएंगे किसान भाई लोग। हर साल 12 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। बागवानी विभाग की देखरेख में 80 लाख रुपए की लागत से इजराइल की कृषि टेक्नोलॉजी यानी कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पर आधारित मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए, है ना। यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, विमानों के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का भी हब बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य। योगी कैबिनेट ने MRO नीति को भी मंजूरी दे दी है, इससे भी उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी भी बढ़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचाव के लिए भी 287 नई चौकियां खोली जाएंगी, 5 तहसीलों में आदर्श राहत केंद्र भी बनाए जाएंगे, ये भी कहना है यूपी सरकार की तरफ से। इस बार बारिश का मौसम शुरू होने से पहले बाढ़ मतलब खतरा आएगा बाढ़ का, उससे पहले ही सरकार ये नई सुविधाएं शुरू कर देगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, दुष्कर्म के मामले में पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि पीड़िता विरोध नहीं भी करे तो भी यह उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की में एक माँ और 6 साल की बेटी से चलती हुई कार में घिनौना काम किया गया, उस पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। पटना हाईकोर्ट का कहना है कि चाहे विरोध कर रही है पीड़िता या नहीं कर रही है ये मैटर नहीं करता, घिनौना काम किसी के भी साथ किया जाएगा तो कड़ी से कड़ी सख्त सजा का प्रावधान कानून में है। लड़के लड़कियों की दोस्ती को लेकर एक ऐसा ही फैसला कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से भी सुनाया गया था। मैंने आपको बताया था कि किसी लड़की से दोस्ती करने का मतलब ये नहीं कि लड़की की तरफ से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की भी सहमति है, ऐसा नहीं माना जाता है ना। अच्छा भाई, बैंक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, अब आसानी से खरीद सकेंगे इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ और IDFC फर्स्ट ने एक पार्टनरशिप की है और अब आपको इन कंपनियों की तरफ से भी इंश्योरेंस पॉलिसी देखने को मिलेगी। अमरनाथ यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए आप, अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए 3-लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। 30 जून से हमारे देश में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। और अंतिम अपडेट देखिए, बाबा रामदेव ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदल दिया है, अब रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में तांबे के सिक्के कौन
कौन सी शताब्दी में चलते थे? अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन भारत में तांबे के सिक्के करेंसी के रूप में कौन सी शताब्दी में चलते थे? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।